हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर पाथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीएस इलियट की बायोग्राफी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट मी बिगिन विद द फुल नेम ऑफ टीएस इलियट। टीएस इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स ओम इलियट। आई रिपीट, थॉमस स्टर्न्स ओम इलियट। बर्थ डेट है उनका 26 सितंबर 1888। डेथ हुआ था 4 जनवरी 1965। बर्थ प्लेस है यूनाइटेड स्टेट्स और डेथ प्लेस है लंदन। अब हम कुछ बातें टीएस इलियट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, ओनली दोस हु विल रिस्क गोइंग टू फार कैन पॉसिबली फाइंड आउट हाउ फार वन कैन गो। आई रिपीट, ओनली दोस हु विल रिस्क गोइंग टू फार कैन पॉसिबली फाइंड आउट हाउ फार वन कैन गो। जो दूर जाने की रिस्क ले सकता है वही ये जान पाएगा कि मैं कितना दूर जाऊंगा। ये एक टीएस इलियट का कोट है। टीएस इलियट की ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो एक पोएट, एसेस्ट, पब्लिशर, लिटरेरी क्रिटिक और प्लेराइट एडिटर भी थे। लीडर ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट भी बोला जाता है उनको। पोएट्री में टीएस इलियट का बहुत बड़ा प्लेस है। वो लीडर थे मॉडर्निस्ट मूवमेंट के। उनका एक निकनेम है, निकनेम बोलें या पेन नेम बोलें, ओल्ड पॉसम। ओल्ड पॉसम उनका पेन नेम है। टीएस इलियट अपने वर्क्स में कौन सी थीम्स ज़्यादा यूज़ करते थे, अपने वर्क में कौन कौन सी थीम्स ज़्यादा यूज़ करते थे? सबसे पहली थीम टाइम, सेकंड डेथ और रीबर्थ, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल थीम, फोर्थ एस्थेटिक लेवल्स, फिफ्थ लेवल्स ऑफ लव एंड एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन, सिक्स्थ द क्वेस्ट मोटिव ऑन साइकोलॉजिकल। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही।